The first question is, which of the following is a potential fuel resource? इनमें से कौन सा है ए पोटेंशियल फ्यूअल रिसोर्स? इस आंसर इज ऑप्शन सी, बायोफ्यूअल. ऑप्शन सी, बायोफ्यूअल. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स? इनमें से बायोटिक रिसोर्स कौन सा है? इस आंसर इज ऑप्शन ए, द पीपल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटिन्यूस रिसोर्स? इनमें से कौन सा है ए कंटिन्यूस रिसोर्स? इट्स आंसर ए एंड बी, द टाइडल पावर एंड द सोलार पावर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? इस आंसर इज ऑप्शन ए, द फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू कंसर्व? इसमें से कौन सा शब्द का मीनिंग आता है टू कंसर्व? टू कंसर्व मीन्स बचाना. सो ऑप्शन बी, द प्रोटेक्ट. सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉ मटेरियल? इनमें से रॉ मटेरियल कौन सा है? ऑप्शन ए, आयरन ओर. सेवेंथ, वी शुड यूज रिसोर्सेस, हाउ शुड वी यूज रिसोर्सेस? उसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्टिमली. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मैन मेड रिसोर्स? इसमें से मैन मेड रिसोर्स जो नहीं है वो कौन सा? ऑप्शन डी, मिनरल्स. ऑप्शन डी, मिनरल्स. नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस. One, a dash is anything that has a value for humans. Its answer, resource. Second question, human-made resources transform dash resources into new products. Human-made resources transform dash resources into new products. Natural resources. Natural. Third, sustainable development means to use resources without dash them, wasting, without wasting them. For non-living resources are termed as dash resources. Non-living resources ko, it is the, they are termed as abiotic resources. Last, the dash resources are those that have not been tapped and can be used for the future. कौन सा resources को हम लोग को tap नहीं कर सकता है, store नहीं कर सकता है? Answer, potential resources. Potential resources. बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका आंसर एक पीडीएफ में इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा, द आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन आंसर्स. ओके, थैंक यू.